24 पर इस वक्त की एक बेहद बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि मथुरा में एक बीजेपी नेता की दबंगई देखने को मिली है। बीजेपी नेता ने एक महिला बीडीसी सदस्य को घर में बंधक बना के रखा था। जब पति उससे मिलने गया तो उसके साथ मारपीट भी की गई है। तो यह पूरा मामला बीजेपी नेता राजेश चौधरी से जुड़ा हुआ है, जो कि नौहझील ब्लॉक से, जिनकी पत्नी पहले ब्लॉक प्रमुख थी और इस बार भी वो ब्लॉक प्रमुख के दावेदार हैं, और बीडीसी सदस्य के अपहरण और बंधक बनाने का आरोप लगा है। तो मथुरा में बीजेपी नेता राजेश चौधरी की दबंगई देखने को मिली है कि किस तरीके से एक महिला बीडीसी सदस्य को घर में बंधक बनाकर रखा गया है। जब उसका पति उससे मिलने पहुंचा तो उससे मुलाकात नहीं करने दी और उसके साथ मारपीट की, और यहीं से पूरा मामला बिगड़ गया। और पति ने कोतवाली में जाकर इसकी शिकायत की, तो जब जाकर मथुरा की कोतवाली पुलिस ने बीजेपी नेता के घर पर छापेमारी की गई तो वहां से उस महिला को बरामद कर लिया गया है। पहले तो सेटिंग एटिंग का खेल चला, लेकिन जब समाचार 24 ने यह खबर पर प्रेशर बनाया तब जाकर पुलिस ने एक्शन लेते हुए महिला को बरामद कर लिया। और मीडिया का जमावड़ा राजेश चौधरी के घर के सामने इस वक्त लगा हुआ है। तो बेहद बड़ी खबर, पॉलिटिकल ब्रेकिंग इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार मथुरा में बीजेपी नेता की राजेश चौधरी की दबंगई देखने को मिल रही है कि एक बीडीसी महिला बीडीसी सदस्य का अपहरण कर उसको बंधक बनाने का मामला प्रकाश में आया है। अब देखना यह होगा कि पीड़ित की तहरीर के बाद क्या पुलिस कार्रवाई करती है या सत्ता की हनक के आगे पुलिस चुप हो जाती है। हम आपको वो एक कॉल भी इंटरसेप्ट जो किया गया है वो भी आपको सुनवाएंगे, किस तरीके से पीड़ित के पति ने समाचार 24 ऑफिस में कॉल करके मदद मांगी थी, और उसके बाद जब समाचार 24 की टीम ने इस पर पड़ताल की तब जाकर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर समाचार 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक महिला बीडीसी सदस्य को अगवा किया गया है। तो समाचार 24 पर इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक महिला बीडीसी सदस्य को बंधक बनाया जाता है। जब उसके परिजन यानी उसका पति मिलने पहुंचता है तो उसको मिलने नहीं दिया जाता। तो अब हम वो आपको रिकॉर्डिंग सुनाना चाहते हैं जिस तरीके से उसके पति ने समाचार 24 में कॉल करके मदद मांगी थी। ध्यान से सुनिए ये ऑडियो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सर, बताइए। वो ऐसा है कि मेरी पत्नी को वो बंधक बना के रखा है। मैं जिला मथुरा तहसील माट ब्लॉक नौहझील का रहने वाला हूँ। अच्छा सर, बताएं। तो मेरी पत्नी को मतलब पहले गाँव गए, बोले के वोट डलेंगे उनके ब्लॉक प्रमुख के। अच्छा, तो मैंने कहा कि कब डलेंगे, कि 2-1 दिन में डल जाएंगे भैया और हम इन्हें छोड़ जाएंगे। लेकिन अब क्या है, उनको रात को ट्रांसफर कर दिया मथुरा। मथुरा मेरा भतीजा लेने गया, लेकिन वो उन्होंने बंधक बना दिया उसको। उसको पत्नी को निकलने नहीं दे रहे, वो चीख भी लग रही है। भतीजा गया, भतीजे से मारपीट की है मेरे से। अच्छा, और बाहर निकाल दिया उसको। पत्नी वहां अंदर परेशान है, उसको खतरा है कुल मिला के। जी, तो मैम आपकी हेल्प हो जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद होगी। एक मिनट सर, एक मिनट। तो ये एक्सक्लूसिव ऑडियो आपने सुना जिसमें वो समाचार 24 के मुख्यालय में कॉल करके उसके द्वारा मदद मांगी गई, और इसी एक कॉल ने इस पूरे घटनाक्रम को खोल दिया कि किस तरीके से मथुरा में एक महिला सदस्य को बंधक बनाया गया है और बीजेपी नेता राजेश चौधरी के घर पर इसको बंधक बनाया गया है। तो उसके बाद अब पुलिस ने महिला को बरामद तो कर लिया, अब देखना यह होगा कि पुलिस कितनी देर में कानूनी कार्यवाही इस पर की जाती है और किस किस की गिरफ्तारी इस पर की जाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, बड़ी